जम्मू कश्मीर में आज पहली बार स्टेक होल्डर्स मीट हुई और उसमें करीब करीब 70 होटलियर्स ने भाग लिया और उसमें यह भी बताया गया कि आने वाले दिनों में यहाँ पर और होटल्स खुल जाएंगे और नॉर्थ इंडिया को ये यहाँ पर जोड़ेगा और उसमें बताया जाता है कि शायद GST भी यहाँ पर सबसाइड किया जाएगा। आपका ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, आपको ये पूरी स्टोरी दिखाएंगे कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो बताया जाता है कि काफ़ी उसकी रेट है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकता है और उसमें साथ में यहाँ पर टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। सारी कंट्री से कश्मीर आया है, श्रीनगर आया है, उसके लिए मैं प्रदीप सेठी प्रेसिडेंट को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि मेक इट, क्योंकि ये भी होटलियर ही है और आज जो हम यहाँ सारे लोग बैठे हैं ये भी होटलियर ही है। एक बड़ा खुशी का मुकाम है, आपस में हम एक एक्सचेंज की ज़रूरत थी कि ये भी हमारा सुने, हम भी इनका सुने, तो इन्होंने यहाँ फैसला ले लिया कि यहाँ हम कमेटी का एक अपना मीटिंग कर देंगे। तो मेरी गुजारिश है प्रेसिडेंट साहब से, मैं बहुत ही मशहूर हूँ, आपका भी और राय साहब का भी, जो ईस्ट एंड वेस्ट के प्रेसिडेंट से सारे लोग यहाँ आए हैं उसके लिए मैं बहुत ही मशहूर हूँ। तो मेरी गुजारिश है आपसे, आपका और हमारा साझा बिजनेस है, बहुत सारे डिफिकल्टीज जो हमें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, बहुत सारे मसले हैं जहां हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी एडवोकेसी की ज़रूरत है। हमारा GST इस वक्त जो 18% है और 12% है, हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से, इसको 12% लाने की ज़रूरत है और जो 12% है उसको 5% पर लाने की ज़रूरत है। अब जहाँ 20,000 का कमरा हो और उसको 3,500 रुपया बड़ा मुश्किल होता है, मेहरबानी करके इसमें करने की ज़रूरत है। और भी जो बाकी हमारे कुछ मसले हैं वो कल हम कमेटी में आपके साथ बात करेंगे, सारा कुछ आपको बता देंगे। नंबर 2, हम कहते हैं कि आप हमें यहाँ जितने भी हमारे होटल वाले हैं, होटलियर्स हैं, अपने एसोसिएशन के साथ एफिलेट कर दीजिए, मेंबरशिप दे दीजिए, क्योंकि हमारा जो आपका कार्ड है जिसमें 30% डिस्काउंट मिलता है, ताकि हमारे ऑनर्स ऑफ होटल और आपके ऑनर्स ऑफ होटल एक्सचेंज करें, दोनों की इज्जत भी रहेगी और दोनों का एक अच्छा लगता है। ऑनर किसी को 30% छोड़ता है उसको बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं जनाबे चीफ गेस्ट से, जो हमारे टेलीविक सेक्रेटरी कमिश्नर हैं, यहाँ हम बड़े मशहूर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट यूटी के भी, LG साहब हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया फॉर द प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म और भी बहुत सारे काम हो गए जिसके लिए हम बड़े मशहूर हैं उनके, मगर साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत मशहूर है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपने बनाई है, हम सारा जम्मू एंड कश्मीर उसके लिए मशहूर है। सो टूरिज्म हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ इंडस्ट्री, हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री इन JNK एंड ऑल बेनिफिट्स दैट अवेलेबल टू द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द JK इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ द JK लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ द न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच हैज़ अबाउट 28,000 crores ऑफ इंसेंटिवस आर अवेलेबल टू द टूरिज़म सेक्टर एंड वी आर वर्किंग विद ऑल द पार्टिसिपेंट इन द टूरिज्म सेक्टर टू इंश्योर दैट दे गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ऑल द पॉलिसीज एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एज आई मेंशन्ड फ्रॉम द डायस ऑल्सो, वी विल हैव स्पेशल वर्कशॉप्स for our colleagues from the tourism sector so that they can understand all the policies and we will help them
register for these schemes and take advantage of the schemes. When we talk about the GST part, so do you believe that it's a great initiative when we have the downfall, especially because right now the tourism sector is so booming all around, but as we have seen, Chaya Sahab had already requested it is connected to the packages as well. So this government has going to be taking the steps on that. So under the new central sector scheme, the registered units will get a 300% return or a GST link incentive with a maximum amount of 300% of the investment in plant and machinery. I think with that incentive on offer, this request for lowering of GST rates is not relevant as of now. How personally you believe that this factor will be the booming factor for the next coming years, especially for the tourism part when there is an industry connection? The industry support is one part. I think the second part that we all are aware of is that there's a huge interest amongst tourists from all over the country in coming to J&K. So the demand is phenomenal. People want to come here. People want to experience the beauty of J&K. And I think with the support from the government, the demand that has emerged, I think tourism is set for a home run. Any sort of amendments, new steps to be taken, especially when we talk about the industries, tourism and other part of the society, because we have seen change from the last couple of years. As I mentioned to you, Honorable LG sir has directed that the revenue administration to find new land parcels for hotels in all the districts, especially the far-flung districts. At the same time, the government has also started a process of disinvestment of some of the tourism properties, so that this is the initiative, both these initiatives will increase the number of tourism properties, and that will overall benefit the sector overall. Thank you very much. Thank you very much. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्योंकि इसके लिए तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पर बूस्ट हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, तो आपको लगता है कि विद दिस मीटिंग स्टेक होल्डर्स मीटिंग तो इससे ज़्यादा और प्रमोट होगा? ये जो HRA का जो आपस में इनका कोलेब्रेशन होगा, उसमें काफ़ी सारे लोग जो आते हैं जाते हैं, इसमें 30% डिस्काउंट जो आपस में इनका मिलता है, जो इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, डेफिनेटली जो टूरिज्म का फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और काम ज़्यादा होगा। स्टेक होल्डर्स मीट यहाँ पर किया गया, क्या आपको लगता है कि ये टूरिज्म को बूस्ट करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो काफ़ी ज़्यादा रेट हाई है उसमें भी बेटर ये प्रोग्राम ही उसी वास्ते है ताकि सारे कंट्री को पता लगे कि कश्मीर में कितना पीस है, कितना टूरिज्म है, कितना नया आने की ज़रूरत है। सर, यहाँ पर करीब करीब 70 ऐसे होटलियर्स आए हैं, ये भी जिस तरह से हमने सुना कि शायद GST भी सबसाइड यहाँ पर किया जाएगा आने वाले दिनों में, और कहीं एक ऐसे नए होटल्स भी बनाए जाएंगे। देखिए, फराई जो ये आए हैं 76 होटलियर, फराई हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है टूरिज्म की, इनका बड़ा ये हर एक चीज़ वहाँ मसला हल कराते हैं। हमें पूरी उम्मीद है ये हमारी भी एडवोकेसी करेंगे और हमें सपोर्ट करके जो भी हमने इनको बताया, वो GST के मुतालिक बताया या जो भी ईज़ ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस की बातें हुई, हमें पूरी उम्मीद है ये भी बहुत मदद करेंगे और एक मैसेज सारे कंट्री में गई कि कश्मीर इज़ जो जन्नत है ही ये, तो ये भी बड़े उसके खुद ही इन्होंने तारीफ़ किए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।